हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल पंजाब के धर्म स्थलों के लिए नए साल से दौड़ेंगी बसें। बैठक में तय होगी योजना की रूपरेखा। जय हिमाचल और पंजाब के धार्मिक स्थलों के लिए दोनों राज्यों के लोग आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। नए साल से हिमाचल और पंजाब के बीच धार्मिक सर्किट बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। मैं योजना के तहत पंजाब रोडवेज की बसें हिमाचल के धार्मिक स्थलों ज्वालाजी, चिंतपूर्णी श्री नैना देवी, बज्रेश्वरी मंदिर, चामुंडा, बाबा बालकनाथ मंदिर के अलावा पांवटा साहिब, रिवालसर और मणिकर्ण के लिए चलेंगी। कोक्सर में -18 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, नलों में जम गया पानी। जिन लाहौल घाटी में सुबह शाम और रात को कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है, ऐसे में घरों में लगे पीने के पानी के नल भी जम गया है। मैं कोक्सर में शुक्रवार रात न्यूनतम तापमान -18 डिग्री सेल्सियस रहा। वह पेयजल पाइप के जम जाने से यहां विंटर सीजन में होम स्टे और होटल में ताले लग गए हैं। हालांकि कोक्सर इलाके में पर्यटकों का आना जाना शुरू ही हुआ था कि पानी जमने की समस्या से उसका रात्रि ठहराव नहीं हो पा रहा है। एक साल का जश्न 11 दिसंबर को 1000 बसों से जुटाएंगे भीड़। प्रियंका के आने पर संशय। जय हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार सोमवार को धर्मशाला में अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने का जश्न मनाएगी। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला समारोह में मौजूद रहेंगे। वह राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आने पर संशय बना हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शुक्ला समेत कई बड़े नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। वे मंच पर मुख्यमंत्री के अलावा 125 कुर्सियां लगाई जाएगी। वह जहां पर कैबिनेट मंत्री समेत अन्य के बैठने की व्यवस्था रहेगी। वह पुलिस मैदान धर्मशाला में 25,000 से अधिक लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। वह भीड़ जुटाने के लिए करीब 1000 बसें लगाई जाएंगी। वह सरकार के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और कांग्रेस विधायक भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। वह बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू के गृह विधानसभा क्षेत्र के नादौन से होकर जाने वाले सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का स्थानीय ब्लॉक इकाई स्वागत भी करेगी। धर्मशाला में 30 करोड़ ने रोका 510 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जाने पूरा मामला। जे केंद्रीय विश्वविद्यालय के करीब 510 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को 30 करोड़ रुपए की दरकार है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपए जमा न करवाए जाने से धर्मशाला के जदरांगल में 30% बनने वाला सीयू का नॉर्थ जोन कैंपस लटक गया है। वह जदरांगल में सीयू के निर्माण को लेकर 57.10 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बावजूद फीस जमा न होने के कारण इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। वह दूसरी ओर देहरा में बनने वाले सीयू के 70% कैंपस का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चला है। अब 250 आबादी वाले गांव सड़क से जुड़ेंगे, 2372.59 करोड़ रुपए किए जारी। जे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 3 के तहत हिमाचल के सैकड़ों गांव सड़क सुविधा से जुड़ेंगे। वे प्रदेश में 500 आबादी वाले तकरीबन सभी गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। वे अब सरकार 250 आबादी वाले गांव को सड़क सुविधा से जोड़ रही है। वे केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2372.59 करोड़ की राशि जारी की है। इसके अलावा इसमें 270.42 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। वही बता दें कि 2643 करोड़ की लागत से प्रदेश में 2682.934 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। वह लोक निर्माण विभाग के टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वह निर्धारित समय में काम पूरा करने वाले ठेकेदार टेंडर में भाग ले सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कांगड़ा में 53, शिमला में 45, सोलन 25, मंडी 23, हमीरपुर 22, चंबा 20, बिलासपुर 19, ऊना 18, सिरमौर 12, कुल्लू 10, लाहौल स्पीति में 7 सड़कें बनाई जानी है। वह राज्य में आपदा के चलते लोक निर्माण विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। खिड़कियों के शीशे तोड़कर नशा मुक्ति केंद्र से भागी एक दर्जन युवतियां, लगाए गंभीर आरोप। जे परवाणु क्षेत्र का एक नशा मुक्ति केंद्र सवालों के घेरे में आ गया है। वे केंद्र में उपचाराधीन एक दर्जन के करीब युवतियां खिड़कियों के शीशे तोड़कर भाग गई है। वे केंद्र से भागी युवतियों ने नशा निवारण केंद्र के संचालकों व कर्मचारियों पर उन्हें नशा परोसने व मारपीट सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शहर में भवनों का सर्वे करने का काम फिर होगा शुरू, नगर निगम की अधिकृत कंपनी करेगी निरीक्षण। जे राजधानी शिमला में भवनों पर लगने वाले टैक्स के लिए सर्वे का काम दोबारा से शुरू होगा। नगर निगम प्रशासन जिस कंपनी इस काम को सौंपा था, उस कंपनी के ड्रोन खराब होने पर उसमें तकनीकी दिक्कत आने के कारण यह काम नहीं हो पा रहा था। वहीं पिछले 2 महीने से काम रुका हुआ था। वहीं अब इस ड्रोन के ठीक होने और कंपनी की ओर से सभी तकनीकी कार्य भी दूर होने के बाद निगम प्रशासन ने फैसला लिया है कि इस काम को दोबारा से किया जाएगा। इन्हें मार्च के अंत तक काम पूरा करने का लक्ष्य दिया है। नशे के खिलाफ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 2.5 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
जे नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नूरपुर पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 2 किलो 500 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वे चरस के साथ पकड़े गए आरोपियों की पहचान केवल पुत्र मोहन सिंह निवासी चुरा और मानसिंह पुग्य विशन दास निवाली चुरा के तौर पर हुई है। वे पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चरस को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वे मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि नूरपुर पुलिस की टीम ने रविवार सुबह के समय भद्रोया में नाका लगा रखा था। इसी दौरान पुलिस ने एक ट्रक नंबर HP011826 को चेकिंग के लिए रोका, जिसमें चालक समेत 2 लोग सवार थे। वे चेकिंग के दौरान पुलिस को उक्त मात्रा में चरस बरामद हुई। वे पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए ट्रक और चरस को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वे मामले की पुष्टि करते हुए SP नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि नशा माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पहले स्कैनिंग फिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी के दर्शन। शक्तिपीठ में नया सिस्टम शुरू करने की तैयारी। जय प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आने वाले समय में मां नैना के दर्शन करने के लिए आने वाले हर श्रद्धालु की पूरी चेकिंग के बाद ही उसे आगे मंदिर दर्शन के लिए भेजा जाएगा। वे मेट्रो स्टेशन व हवाई अड्डों की तर्ज पर नैना देवी में एक्सरे बैगेज स्कैनर मशीन स्थापित करने का प्रस्ताव है। वे न्यास प्रबंधन ने साइट सिलेक्ट कर अगली कार्य को योजना अंतिम रूप दिया है। वह शक्तिपीठ की सिक्योरिटी पर्पज से यह नई व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वह नैना देवी हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ होगा जहाँ सुरक्षा के लिहाज से यह पुख्ता प्रबंध होगा। वही मंदिर न्यास श्री नैना देवी की ओर से लगभग 30 से 40 लाख रुपये लागत की एक्सरे बैगेज स्कैनर मशीन खरीदी गई है। वह पुलिस विभाग के जिम्मे यह व्यवस्था रहेगी और जहां यह मशीन इंस्टॉल की जाएगी वहां पर ट्रेड पुलिस व होम गार्ड के कर्मचारी तैनात रहेंगे। चलिए मैं चलता है शाम की आखिरी खबर। प्रदेश की आधी आबादी इंतजार में, 2 महीने से नहीं मिला चीनी का कोटा, 2 बार लौटानी पड़ी गीली चीनी। जे प्रदेश की आधी आबादी को पिछले 2 माह से चीनी का कोटा नहीं मिल पाया है क्योंकि सिविल सप्लाई को गीली चीनी की सप्लाई 2 बार वापस लौटानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि चीनी मिल से घटिया चीनी की सप्लाई प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को भेजी गई थी, मैं जिसे सिविल सप्लाई ने लेने से मना कर दिया और गाड़ियों को चीनी सहित ही वापस लौटा दिया था, मैं ताकि प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को डिपो में घटिया चीनी वितरित न हो सके। यही वजह है कि प्रदेश के डिपो में ज़्यादातर राशन कार्ड धारकों को अभी तक दिवाली की चीनी का अतिरिक्त कोटा भी नहीं मिल पाया है। वे अब दिसंबर माह भी शुरू हो गया लेकिन चीनी की सप्लाई सिविल सप्लाई के गोदामों में अभी तक नहीं पहुंच पाई है। वे गौरतलब रहे कि प्रदेश के सिविल सप्लाई के गोदामों में अक्टूबर माह में मिलों से गीली चीनी की सप्लाई प्रदेश के कुछ जिलों को भेज दी गई थी। वे सिविल सप्लाई के आला अधिकारियों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने गोदामों से ही गीली चीनी की सप्लाई मिलों को वापस लौटा दी, जबकि गोदामों में सरप्लस पड़े चीनी के कोटे से कई डिपो धारकों को चीनी का कोटा मुहैया करवा दिया। यही नहीं, चीनी मिल से नवंबर में प्रदेश के डिपो को गीली चीनी की ही सप्लाई भेजी गई जिसे सिविल सप्लाई ने दोबारा लेने से मना कर दिया और गीली चीनी वापस लौटा दी। दोस्तों आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।